हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मस्त क्लासेज में। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे सेट सी, जो कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 8 फरवरी आईएससी और आईकॉम का है। सेट सी आप लोग को करेक्ट आंसर 100% सही बताएंगे, ठीक है दोस्तों, 100% करेक्ट आंसर बताएंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी मिला लीजिए, सभी सेट का हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग बताते हैं सेट सी के बारे में, ठीक है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है सेट सी का। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि उन्होंने प्रायोलंबिक कविताएं ही लिखी, ठीक है। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर, और मैं सिर्फ करेक्ट आंसर सीधे ऑप्शन बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। एक दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो आपको बताना है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ज्ञानेंद्रपति, ठीक है। चलिए आप लोग को बताते हैं तीन नंबर क्वेश्चन। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन से खो गए? तो आपका तीन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंच परमेश्वर। आगे देखिए चार नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो आपको चार नंबर का करेक्ट आंसर सड़क जीत रहा है। तो आपको बताना है पांच नंबर करेक्ट आंसर देखिए, सर्कस का प्रकाश बुलाओ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो आपका पांच का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 कोस दूर से, ठीक है। तो छह नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। अशोक वाजपेयी ने जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो आपका छह नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, बंगाल में रहकर। चलिए सात नंबर करेक्ट आंसर देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो आपका सात का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रायपुर छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है, लिखने का कारण शीर्षक निबंध लेखक की रचना। आपका आठ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। नौ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नौ नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग के सामने है। नौ नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दस नंबर देखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नील जंग में या किसी की घर झिलमिल देह जैसे हिल रही है, यह पंक्ति शीर्षक किस कविता से है? तो आपको बताना है दस का करेक्ट आंसर हो जाएगा गांव का घर, ठीक है। तो आगे देखिए ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो आपका ग्यारह का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आत्महत्या से, ठीक है। बारह नंबर देखेंगे, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो आपको बारह का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानी है। तेरह नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? ये देखिए तेरह नंबर, कल भी मैं पढ़ाया था और आज लड़ गया, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार किशन सिंह। चलिए चौदह नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट देख लीजिए, आपके सामने है। चौदह नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों, आप लोग को जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं ताकि सभी सेट को आंसर की बताना है। आपका पंद्रह नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट होगा। क्या सही हुआ? डी करेक्ट होगा, आप लोग जल्दी जल्दी मिला लीजिए। सोलह नंबर देखिए, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो आपका सोलह का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नई कहानी आंदोलन के। सोलह नंबर क्वेश्चन हो गया। सत्रह नंबर देखते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास है। सत्रह का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अठारह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अठारह नंबर क्वेश्चन हमारे पास, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संप्रदायक कौन थे? तो आपका 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 18 का करेक्ट आंसर आपका आप लोग के सामने है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नामवर सिंह। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल में हेडमास्टर क्या नाम है? तो आपका 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो, कालीराम। 21 नंबर क्वेश्चन होगा, देखिए दोस्तों हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं? ये देखिए आप लोग का हिंदी में वचन एक और दो, इसका करेक्ट आंसर आप लोग जानते ही हैं। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन, तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? तो आपका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर क्वेश्चन, यह मेरा छोटा भाई है यह स्वर्णनाम उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो आपका 23 का करेक्ट आंसर संबंधवाचक, ठीक है। देखिए 24 नंबर, शब्दधन कौन सा विशेषण है? तो आपका 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वरनामिक विशेषण है, ठीक है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है, क्रिया के आपको भेद बताना है। 25 नंबर का करेक्ट आंसर अपना बताना है, क्रिया के आपका पांच भेद होता है, ठीक है दोस्तों। क्रिया कितने भेद होते हैं? तो पांच भेद। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो आपका 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी शब्द आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, देशज है,
28 नंबर क्वेश्चन, जिन शब्दों का खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। देखिए 29 नंबर बिना शब्द का उपसर्ग है, तो आप लोग को मालूम ही है क्या होगा। 19 नंबर का करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा बी, सही होगा, ठीक है। अब देखिए प्रत्यय पूछ दिया, वंदना शब्द का प्रत्यय क्या है। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतिम वाला प्रत्यय होता है और आगे वाला उपसर्ग होता है। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 31 नंबर सही है, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है। सौभाग्य शब्द का विलोम आपका दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर है पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। 32 का करेक्ट आंसर होगा अर्धनारी। चलिए 33 नंबर को, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए थे वाक्य है, आपको क्या बताना है। 33 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य है, ठीक है। 34 नंबर ये क्वेश्चन, कहाँ जा सकता है कौन पदबंद है, तो आपका 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषक, विशेषक पदबंद है, ठीक है। तो 35 नंबर देखिए क्वेश्चन, चतुर्भुज शब्द का समास होता है, चतुर्भुज शब्द का समास होता है आपका 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दीर्घु। 36 नंबर क्वेश्चन है, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आपको बताना है 36 का करेक्ट आंसर होगा विकसित, ठीक है, विकसित आपका। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो आपका 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तद्धित, क्या कहते हैं तद्धित। यार अलावा कौन सा व्यंजन है, आपका 38 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का है, अंत अष्ट व्यंजन, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो अनुनासिक हो गया ऑप्शन नंबर दो होगा, ठीक है ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर देखिए, दिवंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिव्यगांबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, द्वीप प्लस अंबर। चलिए 41 नंबर, चंद्र शर्मा गुलारी का अभियान बनकर मेघो कॉलेज का अजमेर में आया था आपका। 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए 42 नंबर देखिए क्वेश्चन आपके पास है, और 42 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था शीर्षक गायन में किसने की उद्यमी उड़ गई, ये देखिए आपका दिया हुआ है। 43 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सुबेदार हजार सिंह, ठीक है हजारा सिंह। देखिए जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, तो आपका 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। 45 देखिए जयप्रकाश नारायण का पुरस्कार का क्या नाम था, तो आपको बताना है 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाउल। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी में साहित्य की कौन सी विधा है, तो आपका 46 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 47 नंबर देखते हैं, 47 नंबर का आपका देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 47 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, और इसका देखिए 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंद्रसभा। चलिए इंद्रसभा हो गया। और 48 नंबर देखिए, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से कैद हो रही थी, आपका 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी रखने के लिए। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, भगत सिंह का जन्म आप लोग को याद होगा बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है इसका, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। चलिए 50 नंबर देखिए, प्रश्न क्वेश्चन है, प्रेम की पीर के कवि कौन थे, तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, जय सी के। 51 नंबर क्वेश्चन है, मामा शब्द का विशेषण क्या होता है, मामा शब्द का विशेषण होता है ऑप्शन है ममेरा। 52 नंबर क्वेश्चन है, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है, तो यथाशीघ्र आपका 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीय भाव समास, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका 53 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सी, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संयुक्त वाक। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन से शुद्ध वाक्य है, आपका 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द केवल संकेत मात्र है, ठीक है। 56 नंबर देखिए क्वेश्चन है, आपका दिया हुआ है 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए ये शब्द क्या है, तो आपको बताना है 58 का करेक्ट आंसर अद्भुत है, क्या है अद्भुत है। 58 नंबर क्वेश्चन है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपका 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये क्या है, ईर्ष्यालु से व्याकुल होना, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्या है, अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है, तो आपको हो जाएगा 59 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तुरंग सही होगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया हुआ है, तो आपका 60 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक, क्या है मिश्र वाक। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, जख्म पर धूल शीर्षक कविता की कहानी है, इसकी कहानी रचना है, तो आपको बताना है 61 का करेक्ट आंसर मलयज, क्या होगा मलयज। तीर्थ शीर्षक में पाठ लेखक के पिताजी कितने साल के थे, तो आपको बताना है कितने साल के हैं, तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 52 साल के।
तिरसठ नंबर सी डब्ल्यू डिलबेटर किन में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, तो आपका तिरसठ नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जय कृष्ण मूर्ति में, ठीक है। चलिए चौवन नंबर क्वेश्चन है आपके पास, शिक्षक शीर्षक पाठ से अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब चौसठ का क्या है, चौसठ का ये सही होगा स्वतंत्रता हो, ठीक है। पैंसठ नंबर क्वेश्चन है 1870 से 90 ईस्वी के बीच, और आपका क्वेश्चन दिया हुआ है पैंसठ का करेक्ट आंसर हो जाएगा 300, क्या हुआ 300। छाछठ नंबर देखिए आपके पास क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को लेट ना हो और आप लोग जल्दी जल्दी मिला लें, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सड़सठ देखिए पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो आपका सड़सठ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हेनरी लोपेज। अड़सठ नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास दिया हुआ है, अड़सठ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा अड़सठ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उनहत्तर देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो उनहत्तर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सत्तर नंबर क्वेश्चन, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, तो आपका सत्तर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। सूरदास किस भाषा के कवि है, तो सूरदास आपको 71 का करेक्ट आंसर ब्रज भाषा के। बहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए, बहत्तर का सीतावाली किसकी रचना है, तो आपको बताना है बहत्तर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास का। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन है, नाभादास किसके समकालीन है थे, तो आपको बताना है तिहत्तर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तुलसीदास के। हार जीत किसके आप शीर्षक कविता के प्रचार, आपको बताना है चौहत्तर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का होगा गद कविता। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन है, मीरा ने अपना प्रत्यय मत किसे माना है, तो आपका हो जाएगा पचहत्तर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कृष्ण को। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन है, सी वाली देखिए आप लोग पढ़ लीजिए और छिहत्तर नंबर क्वेश्चन मिला लीजिए और इसका ऑप्शन नंबर 52 हो जाएगा। सत्तावन नंबर क्वेश्चन झारखंड का आगे दिया हुआ है देख लीजिए और इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश, ठीक है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और 78 नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ है, तो आपको 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कार दुर्घटना में। चलिए आगे देखते हैं, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूप की यात्रा कब की, तो आपका 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 80 देखिए आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन और 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गांव का घर। निम्न में किस शब्द का शुद्ध है, तो आपको शुद्ध पत्नी पत्नी का देखिए सर पत्नी ये तत्व शुद्ध है दोस्तों, तत्व सही है, ठीक है। 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 81 का बी तत्व सही है। 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक। 83 नंबर शिक्षक शब्द क्या है, तो 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्त्रीलिंग है। भिक्षा शब्द क्या है, तो भिक्षा को आपको 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तद्भव है। 85 नंबर क्वेश्चन है, पाठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता होगा, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। सिर्फ लाइक कीजिए दोस्तों, हम लाइक से ही खुश रहते हैं, अगर आप लोग को दिल करता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वरना मत कीजिए, ठीक है। चलिए 86 का करेक्ट आंसर देख लीजिए, 86 का आप लोग का पुलिंग हो जाएगा। 87 देखिए, 87 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 88 देखिए दोस्तों, 88 का देश विदेश शब्द में कौन सा समास है, 88 का ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास है। 89 क्वेश्चन, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 89 का ऑप्शन नंबर ए बहुत अलग रहना। और 90 नंबर क्वेश्चन, जो स्त्री अभिनय करे इसका देख लीजिए शब्द क्या होगा, तो आपका 90 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अभिनेत्री होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है, तो आपका 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मायायानी। 92 नंबर देखिए क्वेश्चन, इतना बड़ा है तो इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, आपका 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। 93 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपका, 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। 94 नंबर क्वेश्चन है, भूषण ने किस रस्म में प्रमुखता दी है, तो आपका 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर देख लीजिए दोस्तों, 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है, तो आपको बताना है इसका कमेंट में आंसर दिए, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन है दोस्तों, इसका कन्फ्यूजन है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग क्या मारे हैं। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, म का उच्चारण स्थान होता है, म का उच्चारण स्थान 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ होगा, सही मारा लड़का, ठीक है।
97 पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद होता है, बहुत ही आसान है। इसका करेक्ट आंसर पृथ्वी प्लस इस, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध कौन सा है, तो 98 का करेक्ट आंसर आपका परीक्षा होगा शुद्ध है। वाराणसी शब्द का ये देख लीजिए, मैं किसी जगह का ये बता रहा है इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। नगर शब्द का क्या है, नगर शब्द आपको बताना है क्या है, तो ये पुलिंग है आपका, नगर कहने में कैसा लग रहा है, इसलिए ये पुलिंग है। आप लोगों को 100% करेक्ट आंसर देने का कोशिश किया हूँ, अगर भूल चूक से दोस्तों अगर गलती हो गया हो तो उसके लिए सॉरी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप लोग अगले सेट के लिए तैयार हो जाइए। जिसको नहीं मिल सका है, आप लोग मेरे चैनल पर पूरे सेट का ऑल सेट को आंसर की मिलाया जाता है, आप लोग मिला सकते हैं, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।